तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पठान मूवी के 26 दिनों के कलेक्शन के बारे में और शहजादा एंटमैन और साउथ के सुपरस्टार धनुष सर की फिल्म वाथी के 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में। तो पहले बात की जाए पठान मूवी की, तो पठान मूवी ने शुरुआती 25 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 514 करोड़ का कर लिया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 999 करोड़ का कर लिया। और बात करें आज की यानी कि 26वें दिन की, तो पठान मूवी आज 26वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 4,75,00,000 का कर रही है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 8 करोड़ का हो रहा है, जिससे पठान मूवी के 26 दिनों का टोटल कलेक्शन 517 करोड़ का हो रहा है इंडिया से नेट का और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 998 करोड़ से 999 करोड़ का हो रहा है। और फाइनली दोस्तों पठान मूवी कल 1000 करोड़ के क्लब में एंटर कर लेगी। तो अब बात करें बॉलीवुड की दूसरी फिल्म शहजादा की, तो एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है लेकिन साउथ की अलग वेक्टर पुरमुलु की रिमेक होने की वजह से शहजादा को ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है और शहजादा मूवी ने दूसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 7 करोड़ का किया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 9 करोड़ का किया और तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 8 करोड़ का कर रही है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 10 से 11 करोड़ का कर रही है, जिससे शहजादा मूवी के 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 21 करोड़ का हो रहा है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 28.5 करोड़ का हो रहा है। और अब बात करें साउथ के सुपरस्टार धनुष सर की फिल्म वाथी की, तो वाथी फिल्म को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है और वाथी का बजट केवल 30 करोड़ है, जिससे वाथी फिल्म 3 दिनों में ही रिकवर कर लिया है और वाथी ने फर्स्ट डे पर इंडिया से 9,17,00,000 का कलेक्शन किया और सेकेंड डे पर 11,07,00,000 का कलेक्शन किया और तीसरे दिन आज 12,50,00,000 का कलेक्शन कर रही है और इसे केवल 2 भाषा में तमिल और तेलुगु में रिलीज किया और वाथी 3 दिनों में ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अब बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन 3 की, तो एंटमैन 3 ने शुरुआती 2 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 18,50,00,000 का किया और आज तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 8,85,00,000 का कर रही है, जिससे एंटमैन 3 का टोटल 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 27,77,00,000 का हो रहा है।